गुड मॉर्निंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। सो क्लास, आपको पता है कि जैसे लास्ट टू डेज में आपके पास इंग्लिश का बहुत नहीं आ रहा था, बिकॉज मेरे कुछ इस वजह से मैं आप लोगों के होमवर्क नहीं दे पाए। सो अब आप लोगों के पास रेगुलरली होमवर्क आएगा। एंड क्लास, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के यूनिट्स चल रहे हैं आजकल, ओके? लास्ट सैटरडे से आप लोगों के यूनिट्स स्टार्ट हुए थे, तो उस यूटी में जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, आई होप आप सब स्टूडेंट्स के पास फुलफिल सिलेबस होगा। आप लोगों को पता है कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और सबका वर्क कंप्लीट होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं है, सो प्लीज मेरे को एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका वर्क कम्प्लीट करा दूंगी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, द सन एंड द विंड। मैं आपको चैप्टर नंबर 5 जो पोयम है वो मैं बाद में कराऊंगी, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सन एंड द विंड। सो ऑल ऑफ यू ओपन हो योर बुक्स, सब लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करो। एंड क्लास, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं परचेज करी, प्लीज परचेज कर लो, क्योंकि अब सिलेबस आगे जा रहा है, विदाउट बुक पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज परचेज कर लो, अपनी अपनी बुक्स खरीद लो। एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ, ओपन अप योर बुक्स। ओके, सबसे पहले आज की डेट डालो 22 जुलाई 2020, चैप्टर नंबर 6, द सन एंड द विंड। नाउ कम ऑन, हरी अप क्लास, अपनी अपनी बुक्स को ओपन करो, ठीक है? ओपन करके अपनी अपनी बुक्स को ओपन करो और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्लास? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द सन एंड द विंड। चैप्टर नंबर 6 है द सन एंड द विंड। सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे। द सन का मतलब क्या है? सूरज। हम सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज। और विंड को क्या कहते हैं? हवा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो आपका एक लेसन है, ये किस पे बेस्ड है? एक सन, एक सूरज और एक हवा के बीच में जो भी बातें हुई है इस चैप्टर में आपको वो बताया जाएगा। देखो मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ क्लास। देखो ये सन है आपका और ये आपका विंड है। तो द सन एंड द विंड के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो आप लोग अब हम ये स्टार्ट करें। So, chapter number 6, the sun and the wind. Do you know who is stronger between the sun and the wind? आपको पता है कि sun और wind में से कौन stronger है? अब सबसे पहले हमारा क्या है? Stronger. Stronger means, देखो क्लास, ये मैं आपको सिर्फ मीनिंग्स बताते जाते, stronger मतलब powerful. Powerful, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, शक्तिशाली, हम इसको बोलते हैं शक्तिशाली, ठीक है? तो स्ट्रॉन्गर मतलब पावरफुल। आप लोग हिंदी का मीनिंग में आपको बता देती हूँ, स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या होता है? पावरफुल, ठीक है? तो हम कहते हैं सन और विंड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेट अस फाइंड आउट इट थ्रू द स्टोरी। अब हम ये सारी बात स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि सन और विंड में से कौन ज्यादा पावरफुल है। सो इस स्टोरी के थ्रू हम उसमें पता लगाएंगे, लास्ट में हमें पता चलेगा सन ज्यादा पावरफुल है या फिर विंड ज्यादा पावरफुल। लेट अस स्टार्ट। वंस इट सो हैपेंड दैट देयर वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट बिटवीन द सन एंड द विंड। कॉन्टेस्ट का मतलब दोनों के बीच में मुकाबला होना। क्या होना? दोनों के बीच में मुकाबला होना। हम लोग टीवी में आप लोग देखते हो, जैसे इंडियन आइडल का कॉन्टेस्ट आता है, हम देखते हैं ना, उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं। कंटेस्टेंट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होना, और कॉन्टेस्ट का मतलब मुकाबला होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडियन आइडल में जो गाते हैं और फिर जज उनको पॉइंट देते हैं, उस हिसाब से वो ट्रॉफी जीतते हैं। और तो कॉन्टेस्ट का मतलब होता है मुकाबला। तो वंस इट्स हैपेंड, एक बार क्या हुआ, देयर वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट, एक बहुत ही सुंदर कॉन्टेस्ट हुआ, किसके बीच में? सन और विंड के बीच में। किसके बीच में हुआ? सन और विंड के बीच में, सूरज और हवा के बीच में बहुत सुंदर सा क्या हुआ? कॉन्टेस्ट हुआ। विच ऑफ टू वाज स्ट्रॉन्गर देन अदर, किसलिए हुआ? ये देखने के लिए कि विंड और सन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना? किसलिए हुआ? इसलिए हुआ कि सन और विंड में से कौन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दोनों के बीच में बहुत सुंदर कॉन्टेस्ट हुआ, बहुत सुंदर क्या हुआ? अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। प्राउड का मतलब घमंड,
So
you are a small thing before me. The son said, it is the time that you will tell you who is stronger of the two. And the clouds can envelop you. Wind कहती है कि जो इतने बड़े बड़े clouds हैं ना वो तुम्हें छुपा लेंगे. Envelop के मतलब छोटे लिफाफे की तरह तुम्हें छुपा लेंगे. अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा जैसे हमारे यहाँ बारिश आजकल सोनीपत में बारिश आ रही है ठीक है, तो बारिश में क्या है जो सन होता है वो क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है और तब भी बारिश आती है ठीक है ना. तो विंड कहती है कि मेरे जो क्लाउड्स है इतने बड़े हैं कि तुम क्या हो बहुत छोटी सी चीज हो और तुम्हें बिल्कुल एनवलप की तरह मतलब बहुत छोटे एनवलप की तरह कागज की तरह तुम्हें छुपा लेंगे तुम क्या चीज हो. So you are small thing before me. तुम तो मेरी आगे बहुत छोटी चीज हो. जो विंड है सन को कह रही है कि मैं तो इतनी पावरफुल हूँ और तुम तो इतनी छोटी सी चीज हो. तुम मेरी आगे क्या हो बहुत छोटी सी चीज हो. The sun said. अब सन कहता है अभी तक विंड ये सारी बात किसको कह रही थी सन को कह रही थी. अब सन विंड को कहता है It is the time that will tell you who is stronger of the two. अब टाइम आया है अब हम देखेंगे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. सन कहते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या विंड तुम स्ट्रॉन्ग हो. तो अभी तक विंड कहती है सन को कि तुम मेरे क्लाउड्स इतने बड़े हैं कि तुम्हें अपने तुम्हें बिल्कुल कागज की तरह छुपा लेंगे तुम इतने छोटे से हो ठीक है और तुम मेरे सामने इतने छोटे से तुम अपने आप को क्या समझते हो. तो सन कहता है कि ठीक है अब राइट टाइम आया अब हम देखेंगे कि हम दोनों में से सन और विंड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. Soon they saw a man who was wearing the coat. कुछ देर बाद उन लोगों ने देखा देखो क्लास ये सन विंड है देखो ये मैन है. कुछ देर बाद उन लोगों ने देखा ठीक है एक मैन है एक आदमी है जिसने कोट पहना हुआ. आप लोग सर्दियों में कोट डालते हैं तो उसने कोट पहना ठीक है. The sun said, Let us see who makes the man to take off his coat. सन ने कहा अब हम दोनों में से वो है ना मुकाबला है ना हम दोनों के बीच में कंपटीशन है ना कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप एक काम करते हैं अब हम दोनों कंपटीशन करते हैं ये जो मैन जा रहा है कि जिसने कोट पहना हुआ है अब हम देखेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी स्ट्रॉन्ग मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से मैन अपना कोट उतार दे. विंड अगर तुम पावरफुल हो तो मैन कोट उतारेगा. अगर सर कहते हैं मैं पावरफुल हूँ तो मेरी पावर से मैन जो है कोट उतारेगा. अब दोनों अपनी अपनी पावर दिखाएंगे और किसकी पावर से मैन कोट उतारेगा ये हम आगे पढ़ेंगे. पहले क्लास आप लोग यहाँ तक रीड करो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना. पहले आप लोग यहाँ तक रीड करो ओके रीड इट डाउन जल्दी से रीड करो एक बार क्लास फटाफट से. रीड इट डाउन क्लास एक बार अच्छे से रीड कर लो ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ठीक है. रीड इट डाउन क्लास फास्ट फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. क्लियर है क्लास आप लोगों ने आगे बढ़े चलो लेट अस स्टार्ट. अभी तक हमने पढ़ा कि सर और विंड में कहता है सर कहता है लेट अस सी अब हम देखते हैं हु मेक्स द मैन टू टेक ऑफ हिज कोट. हम तो लगते हैं कौन इतना स्ट्रांग है जो मैन का कोट उतरवा देगा. टेक ऑफ का मतलब उसका कोट उतरवाना. देखो लिखा हुआ है रिमूव क्लोज क्लोज को उतरवाना ठीक है मतलब उसका कोट को रिमूव कराना उतार के साइड पे. The wind tried for. सबसे पहले किसने ट्राई किया विंड ने किया. It blew harder and harder. विंड ने जो अपना हवा का बहाव है हवा जो लहराती है हवा जो आती है तेजी से विंड ने जितनी तेज हवा हो सके उतनी तेज हवा
रिमूव करें, बट द मैन इन दिस कोट रैबिट मोर एंड मोर। सो जो मैन था उसको कोट उतारने की जगह मैन बार बार अपना कोट लपेट रहा था। रैप्ट का मतलब लपेटना, मतलब उसको अपने कवर करना, अपने आप को कवर करना, कवर अराउंड, ठीक है, कवर अराउंड मतलब अपने आप को लपेटना। अब जैसे आप लोगों को भी सर्दी में ठंड लगती है, जब आप लोग घर में होते हो तो अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करते हो ना, प्रॉपर तरीके से कवर करके डेस्ट होते हो ना, देखो कि ब्लैंकेट टारगेट होते हो, कवर करते हो उसी तरीके से। विंड जो था, विंड ने जितनी तेज हो सका उतनी तेज हवा दी, बट वो मैन ने कोट रिमूव करने की जगह, उतारने की जगह क्या किया, रैप करा मतलब पहने, ठीक है। सो द विंड फेल्ड, अब क्या हुआ, विंड तो फेल्ड हो गया। अब दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन क्या था कि जो जो भी दोनों में से सनी या विंड जो भी स्ट्रगल है वो मैन का कोट रिमूव कराएगा, उतरवाएगा। बट विंड ने जब अपनी हवा चलाई, जब अपनी हवा चलाई वो उतारने की जगह को बार बार मतलब मैन उसको क्या था, पहन रहा था। सो द मैन इंस्टेड ऑफ रिमूविंग हिज कोट, जो मैन था अपने को उतारने की जगह बार बार अपने को कवर कर रहा था, ठीक है। एंड इट मोर एंड मोर, सो द विंड फेड, अब क्या हुआ, विंड क्या हुआ, फेल हो गए। विंड को तो विंड तो नहीं जीत पाई। अब थी सन की बारी। नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द सन टू ट्राई इट्स स्ट्रेंथ। अब किसकी बारी है, अब सन की बारी है। सन अब क्या करता है, अब सन आप करना जो करना, ठीक है। इट बिगिन टू शाइन, अब सन ने क्या करा, अपनी शाइन जो है, अपनी जो चमक है, अपनी जो धूप है ना, खूब बढ़ा दी, जितनी बढ़ा सकता था उतनी बढ़ा। इट बिकेम हॉटर एंड हॉटर एंड फ्यूसर एंड फ्यूसर, मतलब हॉटर एंड हॉटर, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा चुभने वाली धूप हो गई, ठीक है ना। फ्यूसर एंड फ्यूसर का मतलब चुभना, वॉलेट मतलब बहुत ज्यादा तेज चुभने वाली धूप होती ना, वो हो गई। अल्टीमेटली एट द एंड में क्या हुआ, द मैन फेल्ड ऑब्लाइज्ड टू रिमूव हिज कोट। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ, मैन को इतनी गर्मी लगी कि उसने अपना कोट रिमूव कर दिया, उसने अपना कोट उतार के साइड में रख दिया। द विंड लॉस्ट एंड द सन वॉन, और उसके बाद क्या होगा, विंड हार गई और सन जीत गया। देखो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन था कि कौन जीतेगा, दोनों ने कॉम्पिटिशन लगाया, एट द एंड में कौन जीता, सन जीता और विंड हार गई। सो नीचे देखो मॉरल लिखा हुआ है, क्लास प्राइड हैड अ फॉल। देखो इस स्टोरी का ना मॉरल लिखा हुआ है, मैं आपको मॉरल का मतलब समझाती हूँ। प्राइड
रीड इट डाउन, रीड इट फास्ट. रीड आउट कर लिया, एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं, ठीक है? देखो, चैप्टर नंबर 6 था, हमने पढ़ा था सन एंड विंड का विंड. चैप्टर किसके बारे में था? सन और विंड के बारे में था, और किस बारे में था? कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा पावरफुल है. सो सबसे पहले क्या होता है, सन और विंड के बीच में कॉन्टेस्ट होता है, एक मुकाबला होता है, उसमें देखा जाएगा कि सन और विंड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो सबसे पहले विंड कहती है कि मेरे में इतनी पावरफुल, विंड को अपनी पावर में बहुत ज्यादा प्राउड होता है, और वो कहती है कि इतने बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं वो भी मेरे आगे आके झुक जाते हैं, मेरे आगे आके झुकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उन क्लाउड्स को चलाती हूँ. ठीक है ना? फिर क्या होता है, फिर विंड कहती है कि मेरे क्लाउड्स इतने बड़े हैं कि तुम्हें बिल्कुल कागज की तरह छुपा लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो उसके बाद सन कहते हैं कि ठीक है, अब टाइम है, हम दोनों देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. फिर उनमें से क्या होता है, दोनों देखते हैं विंड और सन की वहां से एक मैन जा रहा है, और वो कहते हैं कि हम दोनों शायर लगाते हैं, देखते हैं, कॉन्टेस्ट रखते हैं कि किसमें ज्यादा पावर है जो मैन की कोट को उतरवाएगा, जो मैन के कोट को उतरवा के साइड रख देगा वो क्या होगा, पावरफुल होगा. सो सबसे पहले क्या होता है, विंड अपनी जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेज अपनी हवा चलाती है, जितनी तेज हो सकता है, जितना स्ट्रॉन्ग. बट मैन जो होता है वो कोट उतारने की बजाय अपना कोट बार बार क्या करता है, कवर अप करता है. क्या करता है? बार बार अपने आप को कवर करता है. ठीक है, और क्या होता है, विंड हार जाती है. उसके बाद जो सन होता है वो अपनी शाइन को इतना ब्राइट, इतना हॉट करता है, अपनी जो चमक है इतनी तेज करता है कि इतनी गर्मी होती है, और उसको वो कोट क्या होता है, चुभने लग जाता है. तो मैन क्या करता है, अपना कोट उतार देता है. तो इन दोनों में से कौन जीतता है? सन जीतता है. तो मॉरल क्या है, प्राइड हारता फॉल, मतलब घमंड हमेशा टूट जाता है. ठीक है क्लास, अभी तक हमने यहाँ कंप्लीट करा, अब हम इसके एक बार डिफिकल्ट पार्ट लिख लेते हैं. ठीक है क्लास, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपीज. आप सब लोग अपनी अपनी कॉपीज निकालो क्लास. ठीक है, सबसे पहले उसमें आप लोग ऊपर क्या डालोगे, डेट डालोगे. सबसे पहले पुट योर डेट ऑन द टॉप ऑफ द कॉपी. लेफ्ट साइड में आप लोग डालोगे 22 जुलाई, फिर चैप्टर नंबर 6 द सन एंड द विंड. ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्या करेंगे, हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स क्या करेंगे क्लास, इसके कंप्लीट हम डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे. ठीक है, द सन एंड द विंड के क्या करेंगे हम, डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 द सन एंड द विंड. सबसे पहले फिर यहाँ हेडिंग करा लो, डिफिकल्ट वर्ड्स. ठीक है, योर फर्स्ट वर्ड इज टफ, Stronger, S-T-R-O-N-G-E-R. Stronger का मतलब powerful, stronger का मतलब powerful. Second word is proud, P-R-O-U-D.
Your fifth word is class emblem. E-N-V-E-L-O-P. Emblem का मतलब कागज की तरह बिल्कुल छोटा सा बना देना, छोटा, ठीक है. Your sixth word is coat. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. Your seventh word is harder. H-A-R-D-E-R, harder. Your ninth word is begin. B-E-G-A-N, begin. Ninth word is shine. S-H-I-N-E, shine. And your tenth word is fall. F-A-L-L, fall. ठीक है, तो क्लास ये आपके 10 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं हम इन वर्ड्स को. फर्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्गर, S-T-R-O-N-G-E-R, स्ट्रॉन्गर. सेकंड वर्ड है प्राउड, P-R-O-U-D, प्राउड. थर्ड वर्ड है स्ट्राइड, D-R-I-D-E, ड्राइव. फोर्थ वर्ड है क्लाउड्स, C-L-O-U-D-S, क्लाउड्स. फिफ्थ वर्ड है एम्बलम, E-N-V-E-L-O-P, एम्बलम. सिक्स्थ वर्ड है कोट, C-O-A-T, कोट. सेवेंथ वर्ड है हार्डर, H-A-R-D-E-R, हार्डर. एट्थ वर्ड है बिगिन, B-E-G-A-N, बिगिन. नाइन्थ वर्ड है शाइन, S-H-I-N-E, शाइन. टेंथ वर्ड है आपका फॉल, F-A-L-L, फॉल, मतलब गिरना. ठीक है ना, सो ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन इन योर कॉपी. हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, आराम से उतार लो उसको, पर हैंडराइटिंग साफ लिखना क्लास. ठीक है, हिचकिच मत करना, मेस मत करना काम को, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में इसको पूरा नोट कर लो. ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ऊपर आज की डेट पुट करोगे. ओके, डेट डालोगे चैप्टर नंबर 6, द सन एंड द विंड. फिर इसके बाद लिखोगे फर्स्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड की हेडिंग डालोगे. फिर हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ड्स लिख के स्टार्ट करेंगे. राइट इट डाउन क्लास. हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, हैंडराइटिंग का ध्यान रखना. ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को एक बार वर्ड दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ. फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्गर, मतलब ताकतवर. एस टी आर ओ एन जी ई आर, स्ट्रॉन्गर. सेकेंड वर्ड है प्राउड, पी आर ओ यू डी, प्राउड, मतलब घमंड. थर्ड वर्ड है हमारा ड्राइव, डी आर आई वी ई, ड्राइव का मतलब चलना, चलाना. फोर्थ वर्ड है हमारा क्लाउड्स, सी एल ओ यू डी एस, क्लाउड्स का मतलब बादल. फिफ्थ वर्ड है एम्बलप, ई एन वी ई एल ओ पी, एम्बलप का मतलब एल ओ पी है. ठीक है, एम्बलप का मतलब कागज, छोटा सा कागज होता है जिसमें हम चीजें रखते हैं. ठीक है, सिक्स्थ वर्ड है कोट, सी ओ ए टी, कोट. कोट का मतलब जो हम कोट पहनते हैं सर्दियों में. ठीक है, सेवेंथ वर्ड है हार्डर, एच ए आर डी ई आर, हार्डर, मतलब बहुत ज्यादा सख्त, मतलब हार्डर का मतलब सख्त, बहुत ज्यादा टाइट होना. ठीक है, एट्थ वर्ड है बिगिन, बी ई जी ए एन, बिगिन का मतलब शुरुआत करना. नाइन्थ वर्ड है शाइन, एस एच आई एन ई, शाइन का मतलब चमकना. एंड योर टेंथ वर्ड इज फॉल, एफ ए डबल एल, फॉल. नाउ क्लास, नोटेड डाउन इन योर कॉपीज, हैंडराइटिंग का ध्यान रखना. अब आप लोग आराम से इसको नोट कीजिएगा. क्लास, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लेना. ठीक है, यूटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना सारे सब्जेक्ट्स के लिए. और किसी का कोई काम कंप्लीट नहीं हो मेरे को बता देना आप लोग, मैं आप लोगों को भेज दूंगी. ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड, समथिंग, कुछ भी. ठीक है क्लास, बट अच्छे से प्रिपेयर करना अपना सारा वर्क और गुड मार्क्स लेके आना.
ओके क्लास, लिख लिया आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू डन? ओके क्लास, नाउ हम टेक्निकल वर्ड्स फिनिश कर चुके हैं, बाकी टेक्निकल का मैं आपको नेक्स्ट में भेजूंगी, ठीक है? आप सब लोग अपना ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको बात बोली है, हैंडराइटिंग साफ सुथरे तरीके से लिखना और यूपीएस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, जिसको जो नहीं आए आगे मेरे से पूछ लेना, एंड प्लीज अपनी अपनी बुक्स पर चेक कर लेना क्लास, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में डिफिकल्टी नहीं हो, ठीक है क्लास? थैंक यू सो मच।